देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सिंथेसिस, जिसको कॉम्बिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंथेसिस कॉम्बिनेशन यानी जोड़ना। अब किससे जुड़, किस प्रकार से आप जोड़ेंगे सेंटेंस को, वो जोड़ने के लिए सिखाया जाता है कॉम्बिनेशन में। अपोजिशन यानी उल्टा, विरोधाभास जोड़ना हो तो उसके लिए कंजक्शन बट का प्रयोग करते हैं। रीजन और रिजल्ट जोड़ना हो तो बिकॉज और सो से हमेशा यूज करते हैं। सबॉर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना हो तो सबॉर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए, और भी हम चीजें यूज करते हैं, ठीक है? तो वो चीजें हम यूज करते हैं जिसमें पार्टिसिपल्स हो गए, जिरंड हो गए, प्रीपोजिशन हो गए। तो इन सब के सहारे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। आइए हम यहां पे देखते हैं। पहला सेंटेंस, राम इज अ बॉय, है ना? दूसरा है, ही इज ऑनेस्ट। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? मैं कंबाइन करने का प्रयास करता हूं। राम इज अ बॉय और एंड ऑनेस्ट मैं लिखता हूं। दूसरा हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, है ना? और तीसरा हम देते हैं, राम इज बॉय ऑनेस्ट, और डी ऑप्शन, राम इज बॉय एंड ही इज ऑनेस्ट, है ना? इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शंस कौन सा होंगे? आपको मिलता जुलता आंसर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिए, राम इज अ बॉय एंड ऑनेस्ट, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जो क्लाउज का वीडियो है उसको आप देखिएगा, और उसके बाद मैंने सेंटेंस का वीडियो बताया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। तो सेंटेंस भी मैंने बताया है कि एंड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये आगे जो जोड़ेगा वही पीछे जोड़ेगा। आगे यदि सब्जेक्ट है तो पीछे सब्जेक्ट होगा, आगे यदि ऑब्जेक्ट है तो पीछे ऑब्जेक्ट होगा, आगे यदि क्लॉज है तो पीछे क्लॉज होगा, आगे नॉन है तो पीछे नॉन होगा, आगे यदि वर्ब है तो पीछे वर्ब होगा, आगे एडजेक्टिव है तो पीछे एडजेक्टिव होगा। तो देखिए, यहाँ बॉय नॉन है और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो यहाँ नॉन है और यहाँ एडजेक्टिव है, इसको तो जोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, गलत किया। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, आप इसको देखिए, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो आप देख पा रहे हैं राम एक ईमानदार लड़का है, यानी राम की विशेषता बता दी मैंने। एडजेक्टिव और नॉन को जब जोड़ना हो तो कंबाइन कर दिया, अतः ये सही होगा। आखिर और मैं देख लेता हूं कि ये दोनों गलत कैसे है। राम इज बॉय ऑनेस्ट, हमेशा मैंने बताया है कि नॉन के पहले एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग बाद में मैंने किया है, इसलिए ये गलत होगा। राम इज अ बॉय एंड ही इज ऑनेस्ट, आप देखिए, राम इज अ बॉय एंड ही इज ऑनेस्ट, ये एंड जो है वो मैंने क्या बताया, दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होता है। यहाँ पे देखिए, राम इज अ बॉय, यहाँ अ बॉय ऑब्जेक्ट है, यहाँ ही इज ऑनेस्ट ये सब्जेक्ट है, और इसको जोड़ रहा है जो कि जोड़ नहीं सकता ये, अतः ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो बातें समझ में आ रही है, जोड़ना कितना आसान है। नीचे मैं देखता हूँ, राम इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट। राम क्या है, गरीब है। राम कैसा है, सॉरी, वह कैसा है, वो ईमानदार है, यानी यहाँ नाउन है, यहाँ प्रोनाउन है। ऐसा क्या लिख सकते हैं, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, दूसरा ऑप्शन में लिख रहा हूं, राम इज पुअर एंड ऑनेस्ट,
तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूं, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, और चौथा है राम इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट। देखिए इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शंस क्या होंगे, तो देख पा रहे हैं राम गरीब है। अक्सर हमारी धारणा है कि गरीब बेईमान होते हैं, अमीर इज्जतदार होते हैं, इंसान होते हैं, ये मानना हमारी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, राम इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, इसका सही यूज करेंगे तो होगा। देखिए ये दोनों उल्टा है, और उल्टा छोड़ने के लिए मैंने बताया है बट का प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग। देखिए ये पुअर एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव है, यहां तक सही है, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, तो इसका मतलब हो गया वह गरीब भी है और ईमानदार भी है, यानी गरीब और ईमानदार है, तो यहां तो चलिए सही है, ये भी सही हो सकता है ना, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट। राम इज पुअर एंड ऑनेस्ट, राम जो है वो पुअर है और ऑनेस्ट है। तो देखिए मैंने यहाँ राम पहले लिखा था, यहाँ ही बाद में लिखा था, यदि ही पहले भी लिखा होता और राम बाद में भी लिखा होता तो आप बताइए पहले नॉन या प्रोनाउन, क्योंकि जब तक नॉन नहीं तब तक प्रोनाउन नहीं, जब तक नॉन नहीं लिखेंगे तब तक प्रोनाउन कहां से लिखेंगे, इसलिए जरूरी क्या है नॉन, तो नॉन नहीं होगा तो प्रोनाउन संभव नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे ही नहीं राम होना चाहिए। चलिए यहाँ राम इज पुअर एंड ऑनेस्ट, राम क्या है गरीब है और ईमानदार है, ये दोनों विशेषता थी, ये आंसर सही हो सकती है। लेकिन मैंने बताया कि जब विरोध की बात करें उसकी उल्टी बात किया जाए तो बट कंजक्शन से यूज करें, तो राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, देख पा रहे हैं राम गरीब है और ईमानदार है, ये भी सही है। राम इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट, राम गरीब है और वह क्या है ईमानदार है, तो देख रहे हैं ये एक क्लॉज है और ये क्लॉज है, तो ये भी सही हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आप जुड़ने का सही तरीका देखें, तो लेकिन सबसे बेहतर ये है, इसलिए हम आंसर किसको करेंगे, तो आंसर सी को करेंगे, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, जो ज्यादा सुटेबल होते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ही वॉज इल ही वॉज अपसेट है ना, ही वॉज इल ही वॉज अपसेट, ही वॉज इल वो क्या था बीमार था, ही वॉज अपसेट वो अपसेट था। देखिए ये रीजन है ना, कारण क्या है कि बीमार था, और रिजल्ट क्या हुआ कि वो अपसेट हो गया, देख पा रहे मैंने रीजन और रिजल्ट को जोड़ने के लिए कंजक्शन जस्ट में अभी जरा सा पहले मैंने बताया कि सो और बिकॉज का प्रयोग करेंगे। आई ही वॉज इल सो ही वॉज अपसेंट, वह बीमार था इसीलिए अपसेंट था, सेंस पकड़िएगा, वह बीमार था इसीलिए अपसेंट था। ही वॉज इल बिकॉज ही वॉज अपसेंट, वह बीमार था क्योंकि अपसेंट था, यानी अपसेंट होने की वजह से बीमार हुआ। देखिए ये तो तर्कसंगत है नहीं, तो गलत हो गया। He was absent, so he was ill. वह absent था, इसीलिए बीमार हो गया। नहीं ना, ये भी गलत होगा। He was absent because he was ill. वह absent था, क्योंकि वो बीमार था। ये हुआ रीजन, ये रिजल्ट। तो आप देख पा रहे रीजन और रिजल्ट को बिकॉज से जोड़ना है तो पहले रीजन और रीजन के बाद रिजल्ट, लेकिन यदि सो से जोड़ना है तो उल्टा लिखना है, पहले आपको क्या करना होगा रीजन लिखना होगा और बाद में आपको क्या होना होगा क्या लिखना होगा रिजल्ट। तो देख रहे हैं कि जब सो से लगाते हैं तो पहले रीजन बाद में रिजल्ट, और बिकॉज से करते हैं तो पहले रिजल्ट बाद में रिजल्ट। आई दूसरा देखें, ही सेड टू मी ही वॉज पुअर, इसको कंबाइन करने का प्रयास किया गया है। ही टोल्ड मी इफ ही वॉज पुअर, ठीक है, इफ का प्रयोग कब होता है जब यहां पे हेल्पिंग वर्ब होता है, तो या इफ से तो लगेगा नहीं, ये गलत हो गया। ही टोल्ड मी एंड ही वॉज पुअर,
देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि दोनों बराबर है नहीं, एंड हमेशा बराबर वालों को जोड़ते हैं। He told me and he was poor. उसने मुझसे कहा और वह गरीब था। ऐसा तो ये भी बराबर को जोड़ता, देखिए मी एंड ये गलत। He told me that he was poor. उसने मुझसे कहा कि वह गरीब था। तो ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, that जो है वो मैंने बताया सबॉर्डिनेट क्लॉज को हमेशा सबॉर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नए नए वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।